अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मुसाफिर पाकिस्तान। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो है प्रिंसेस ऑफ होप की तरफ। और इसकी जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरीके से है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये समुंदर के अंदर जो है वो पहले एक दुनिया हुआ करती थी, और काफ़ी टाइम बाद जो है वो ये समुंदर हट गया, पीछे अपनी जगह पे चले गए, और आप जो है वो एक अंडरवर्ल्ड दुनिया के अंदर। यह है प्रिंसेस ऑफ होप, जिसका नाम एंजेलिना जोली ने रखा था। ये खुश किस्मती या बदकिस्मती है, लेकिन उसको जो चीज़ इसमें नज़र आई वो ये थी कि उसने तसव्वुर ये किया कि भाई एक प्रिंसेस है जो कि अकेली और होपलेस और लोनली खड़ी है, और ये किसी के इंतज़ार में, तो ये किसी के इंतज़ार में तो हम आ गए समय के पास इनको विज़िट करने, लेकिन ये बड़ी बदतमीज़ी से चाह रहे हैं। आज के ज़माने में अगर आप देखो तो ये कब्र जैसा दिखाई देता है, पर हो सकता है कि पुराने ज़माने के अंदर किसी ने कोई मुजस्मा बनाया हो किसी जानवर का, बैठे हुए शेर का, तो ये भी आप देख सकते हैं इन अ वेरी ह्यूज साइज। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जो गुफा वुफा टाइप ही कह रहे हैं, पर आपको शायद चिंगादर वगैरह भी देख सकते हैं। Amazing. So, welcome to the Kurmali Balochistan National Hingol Park, Princess of Hope. अगर आप वाकई इस चीज़ की बनावट देखें तो ये वाकई समुंदर के अंदर की एक दुनिया नज़र आती है, और यहाँ पे बहुत सुकून है, सन्नाटा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। यहाँ पर अगर आप आके नाइट स्टे करो तो इट्स वेरी अमेजिंग। पहाड़ों का रास्ता है, और ये पहाड़ों की आप फिनिशिंग देख रहे हैं ना, किस तरीके से जो है वो ये डिज़ाइन हुआ है, और ये सब मट्टी टाइप चढ़ाए हैं। यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर भी कह रहे हैं गुफा है, जानवर भी यहाँ पे हो सकते हैं, बट
खैर अल्लाह मालिक है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ता है ना काम। ये सफ़र यहाँ पे हम ख़त्म नहीं करेंगे, बलूचिस्तान के और भी एपिसोड हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, बट अब तक के लिए इतना ही।